अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, सूरज ग्रहण से मुतालिक आज कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को ये बात बताऊँगा कि सूरज ग्रहण की जो हकीकत है असल में वो है क्या और किन किन मजाहब के अंदर लोग इसको किस तरीके से मानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मगर उससे पहले जो है मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सूरज ग्रहण जो है इसके हवाले से लोग तरह तरह की जो बातें कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर क्या हकीकत है और हकाइक क्या है। देखिए, मुस्लिम जो लोग होते हैं यानी कि हम मुसलमान लोगों के अंदर इस बात को मानना कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही जो है ये सूरज और चाँद ग्रहण होता है, और सूरज और चाँद जो है वो अपने मदार के अंदर घूमते हैं। जब सूरज और चाँद जो है आमने सामने आ जाते हैं तो ये समझ लें सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण होता है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। अगर उस वक्त जो है सूरज के बीच में चाँद आ जाता है तो वो सूरज ग्रहण होता है, और जब चाँद की रोशनी ज़मीन की तरफ आ रही होती है और बीच में सूरज आ जाता है तो ये समझ लें उस वक्त जो है सूरज चाँद ग्रहण हो रहा होता है। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम्स जो है इस तरीके से मानते हैं इस बात को, जबकि अदर जो लोग हैं जैसे कि हिंदू जो लोग होते हैं, इंडियन जो होते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर जो है इस बात को बड़ा गहराई से माना जाता है और उसके अंदर जो है बड़ी अपशगुन वगैरह की जो बातें होती हैं इस तरीके की बातें, और लेडीज़ के हवाले से भी जो इस तरीके की बातें जो है सूरज ग्रहण के अंदर जो है मानी जाती हैं। और इसके अलावा जो है साइंस से अगर देखें तो साइंस की तहकीक जो है इस बात को सिर्फ यही बताती है कि चाँद और सूरज जो अपने मदार में घूमते हैं और इनका जब आमना सामना होता है और इनकी जो रोशनी है वो एक दूसरे पर पड़ती है तो फिर वो रोशनी ज़मीन पर नहीं आ रही होती है, तो ये जो है इस वक्त चाँद और सूरज ग्रहण होते हैं। अलबत्त इतना ज़रूर जो है साइंस से साबित होता है कि इसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो इंसानी आँखों के लिए जो है काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, और उससे इंसानी आँख का जो है बिनाई के ऊपर असर पड़ने का जो है अंदेशा है। और उसके अलावा जो यूरोपियन जो लोग होते हैं वो सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण का जो दिन होता है या रात होती है तो उसको जो एक इवेंट के तौर पर मनाते हैं, इस तरीके से एक इवेंट मनाते हैं और बाकायदा तौर पर जो इसको देखने के लिए बड़ी एहतमाम करते हैं। तो यूरोपियन लोग जो इसको देखने के लिए एहतमाम करते हैं और इसको एक त्यौहार के तौर पर जो है यूरोपियन मनाते हैं। तो ये थी आज जो है सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के हवाले से डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।